बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब मुगल है। शुएब रियल्टर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर खरीत से होंगे। आज मैं आपके लिए 5 मरला ब्रांड न्यू घर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मौजूद है। इसका रिव्यू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि तमाम तर मालूमात इस घर की इस वीडियो में मौजूद है। आइए इस घर का रिव्यू करते हैं। बिल्कुल सामने इसकी देखें, फ्रंट एलिवेशन है। सिंपल सी खूबसूरत सी इसकी फ्रंट एलिवेशन है। खूबसूरत सा इसमें रेलिंग वाला गेट लगा हुआ है। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने इसका कार पोर्च है। काफ़ी बड़ा कार पोर्च है, इसमें बड़ी गाड़ी भी आ सकती है। कार पोर्च में जो है खूबसूरत सी सीलिंग की गई है। लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स हैं ऊपर छत पे जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। राइट साइड पे एक ड्राइंग रूम है और ये गैलरी है। यहाँ पे जो है एक अदद वाशरूम है और इसके ऊपर भी इस तरह सीलिंग की गई है। मैं भी आपको वाशरूम दिखा देता हूँ। इस घर की जो डायमेंशन है वो 25-50 साइज़ है इसका। ये इसका जी आ गया वाशरूम, कमोड लगा हुआ है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है टाइल वर्क और सेंट्री का काम जो है वॉशरूम में वो कंप्लीट है। पूरे घर में जो है वो मार्बल फ्लोरिंग है और किचन और वॉशरूम्स में टाइल वर्क हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको काफ़ी खूबसूरत दरवाजे वगैरह भी इन्होंने लगाए हैं। ये ड्राइंग रूम का रास्ता है, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाऊँगा, क्योंकि इसके आगे सोफ़ा पड़ा हुआ है। टीवी लॉन्ज और जो ड्राइंग रूम है इसके अंदर जो सेपरेशन हुई थी होती है जो वो नहीं हुई हुई वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये आ गया जी टीवी लॉन्च के सामने बिल्कुल 2 बेडरूम हैं। टीवी लॉन्च में भी खूबसूरत सी सीलिंग की गई है और टीवी लॉन्च के बिल्कुल जैसे ही इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक किचन है। मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। ये किचन देखें, इसमें भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। कैबिनेट्स वगैरह इसमें बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। सेंट्री का काम जो है किचन में भी कम्प्लीट है। इसमें भी खूबसूरत सी सिंपल सी सीलिंग की गई है। ये देखें, ये हो गया आपका किचन और ये एक बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के साथ जो है अटैच वॉशरूम है, इसमें भी देखें खूबसूरत सी सीलिंग की गई है। ये देखें जी, इसके साथ जो है अटैच वॉशरूम प्लस गैलरी है, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको रोशनदान सा नज़र आ रहा है ये दूसरे वॉशरूम का है, जो कि दूसरे बेडरूम के साथ अटैच है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम आ गया। इसमें भी टाइल वर्क कंप्लीट है और सेंट्री का काम भी इसमें कंप्लीट है। अगर मैं इस घर की लोकेशन की बात करूं तो ये घर जो है जंगी सईदा इस्लामाबाद में वाक़िया है। अगर घर के बाहर मैं इसकी स्ट्रीट की बात करूँ तो इसकी जो गली है वो 20 फीट की इसकी वाइड स्ट्रीट है। मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। ये भी हम दोबारा जो है बाहर टीवी लॉन्च में आ गए, ठीक है। अभी मैं आपको ड्राइंग रूम और इसका दूसरा जो बेडरूम है वो दिखाऊंगा। ये टीवी लॉन्च आ गया इसका, ठीक है। और ये बिल्कुल सामने इसका ड्राइंग रूम है। वो दरवाज़ा था उसके आगे जो है वो सोफ़ा पड़ा हुआ, इसलिए मैं वहाँ से नहीं आया। तो ये इसका ड्राइंग रूम है। अच्छा, ड्राइंग रूम में जो है जो राइट साइड वाली दीवार है उसमें थोड़ी सी सेम वगैरह आई है, ठीक है, क्योंकि घर बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ है और ये यहाँ पे इन्होंने घर ख़ुद बना के, इनकी शादी थी वो करके ये यहाँ से चले गए। इन्होंने कोई और अपने एरिया में कोई घर परचेज़ कर लिए, इसलिए वो ये घर सेल करना चाह रहे हैं। ये हो गया ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो है वो सेपरेशन सी इन्होंने नहीं की, आप कर्टन वगैरह भी लगा सकते हैं। ये इसका आ गया जी दूसरा बेडरूम। इस बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम है। और अगर मैं इस घर में सहूलतों की बात करूं तो इसमें बिजली का मीटर लगा हुआ है और पानी का बोर भी मौजूद है और पानी यहाँ पर वफर मकदार में मौजूद है। जितना टाइम आप मोटर चलाएँ तो इंशाल्लाह पानी आएगा। और गैस जो है यहाँ नज़दीक तक मौजूद है, अभी तक इस घर में नहीं लगी हुई। अगर मैं ये इसके देखें जी, ये दूसरा वॉशरूम आ गया दूसरे बेड के साथ जो अटैच वॉशरूम है।
इस घर में टोटली जो है दो बेडरूम हैं, दोनों के साथ अटैच वाशरूम है, प्लस वेंटिलेशन के लिए पीछे गैलरी भी छोड़ी गई है। एक अदद ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम जो है उसके साथ अटैच वाशरूम नहीं है, वो एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही है। और एक जो है इसमें किचन है, काफ़ी बड़ा कारपोच है। अगर मैं इसकी डिमांड की बात करूं तो ओनर इस घर की जो डिमांड है वो 65 लाख करते हैं। उम्मीद है इसमें कमी पेशी भी हो सकती है। अभी मैं आपको ऊपर से छत दिखाता हूं। ये उसकी ममटी में हम पहुंच गए। ये घर जो है मुकम्मल ईंटों का बना हुआ है, और इसमें जो है कॉलम बीम्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं। ये देखिए छत है, ऊपर चार दीवारी इसकी जो है वो हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे रابطہ करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ये इसका छत है जी, देखें कुछ ईंटें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें ताकि आपको अच्छे सस्ते और म्यारी घर देखने को मिल सके। ये ऊपर से गैलरी है, इन्होंने यहाँ पे ऊपर शापर रख के ऊपर फटियाँ वगैरह रखी हुई हैं ताकि नीचे जो है वो डस्ट वगैरह ना जा सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान अल्लाह।